डॉक्टर सेल्वराज, ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं, जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। इट इज द बेस्ट टीथ वाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर जॉस एंड देन वी कैन प्रिंट योर जॉस ऑन दिस 3D। एक्चुअली फॉर अंडमान दिस इज अ वेरी बिग सेटअप, बट वी आर अमंग द टॉप डेंटल क्लिनिक्स इन इंडिया। F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। मैं आपको फिर भी बता दूं कि हम लोग अस्पताल के अंदर नहीं गए कवर करने के लिए, हम अस्पताल के अंदर नहीं गए क्योंकि जैसा मैंने आपको लोगों को पिछले एपिसोड में भी बताया था कि अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने इस संस्था की जो भी प्रोटोकॉल है, इनके जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको ध्यान में रखा, उसका सम्मान करते हुए हम बाहर ही, संजय मंडल के जो बड़े भाई है सम्राट मंडल, हम उनसे बाहर मिले। तो घर का थोड़ा ऊपर लेके जाके चाकू ऊपर से पूरा काटा है, गर्दन हाथ वो पूरा। तो फिर अपाराव जो है, जिसने अटैक किया आपके भाई के ऊपर में, उसको पुलिस ने पकड़ा? जी पकड़ लिया है। किसने मर्डर किया? उसका वो आदमी, उसका पापा को गला काट दिया। तेरे साथ में दादा इस तरह से अभी अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक कर रहा था दादा के ऊपर, मतलब आपके पापा ने उनके पापा के ऊपर में मर्डर अटेम्प्ट किया था। बुक योर ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन विद अंडमान ब्लू बे हॉलीडेज, अंडमान्स फर्स्ट फ्लाइट टिकट ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट। लॉग ऑन टू www.andamanbluebay.in। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक मामला सामने आया है 11 चरमा का, जहां पे एक छोटे से बच्चे जिसका नाम संजय मंडल है, जो कि शोवा रानी मंडल, जो जिनका हमने कुछ समय पहले ही आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया था भातु बस्ती में, जो एक ब्यूटी पार्लर स्पा चलाती थी, उनका मर्डर हुआ था। उन्हीं का जो छोटा बेटा है 12 साल का संजय मंडल, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है जिस तरह हमें सूत्रों से पता चला। और मैं आपको बता दूं कि उनका जो बड़ा बेटा है सम्राट, उसने ही हमें फ़ोन करके बताया था इस बारे में, और वो इस बारे में बताना चाहता था, तो हम उनसे यहाँ पे मिलने आए। संजय मंडल जो मात्र 12 साल का बच्चा है, उसके ऊपर इस तरीके से चाकू से हमला हुआ, वो अस्पताल में है। मगर मैं आपको फिर भी बता दूँ कि हम लोग अस्पताल के अंदर नहीं गए कवर करने के लिए, हम अस्पताल के अंदर नहीं गए क्योंकि जैसा मैंने आपको लोगों को पिछले एपिसोड में भी बताया था कि अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने इस संस्था की जो भी प्रोटोकॉल है, इनके जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको ध्यान में रखा, उसका सम्मान करते हुए हम बाहर ही, संजय मंडल के जो बड़े भाई है सम्राट मंडल, हम उनसे बाहर मिले। उन्होंने पूरी बात अंदर की हमें बताई और उन्होंने हमसे कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी शेयर किए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ दिखाएं, अगर वो विचलित करने वाली ना हो तो। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को एक लाइव रिपोर्ट दिखाया था, जहां पे शोवा रानी मंडल जी, जो एक ब्यूटी पार्लर स्पा चलाती थी भातु बस्ती सेंट मेरी स्कूल के बगल में, हमने आप लोगों को लाइव कवरेज दिखाई थी जहाँ पर उनकी हत्या हुई थी। हमारे बहुत से दर्शकों ने उसको देखा था। आज हमारे साथ शोभा रानी मंडल के जो पुत्र हैं वो हमारे साथ मौजूद है, सम्राट मंडल जी। आज एक और घटना इनके परिवार में हुई है जो कि बहुत ही दुखद है।
मैं आपको बता दूं कि सम्राट के जो छोटे भाई हैं मात्र 12 साल के, उनके ऊपर कहने के लिए तो जानलेवा हमला ही कहेंगे। जिस तरीके से सम्राट ने हमें बताया कि उनके ऊपर 8 बार चाकू से उनके शरीर पर हमला किया गया, ये सुनकर हमारे भी कान खड़े हो गए। हम भी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ। तो हम तुरंत सम्राट के पास आए, उन्होंने हमें फ़ोन में ये सब जानकारी दी थी। इसको और अच्छे से जानने के लिए एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या कारण था, कब हुआ, ये सारी बातें जानने के लिए चलिए हम सम्राट से ही सीधा बात करते हैं। हेलो सम्राट जी। जी हेलो। थोड़ा बताइए क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली? जी वो घर में भाई हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। आपके भाई का नाम क्या है? संजय मंडल। कितने है उम्र का है? 12.5। 12। तो गेम खेल रहे थे वो मेरा भाई, तो घर का जो पड़ोसी है मेरा वो आए आके बोल रहे थे कि फ़ोन दे दीजिए एक कॉल बात करने के लिए से। अच्छा। तो हम ही बोला भाई को कि भाई जाओ इसको फ़ोन दे दे एक कॉल बात करना है। तो घर का थोड़ा ऊपर लेके जाके चाकू वाकू से पूरा काटा है, गर्दन हाथ उथ पूरा। मतलब किस वजह से नहीं मालूम, उस हम लोग को कुछ नहीं मालूम इसके बारे में जो क्या करने किया है वो। जिसने आपके भाई के ऊपर अटैक किया उसका नाम, उनका नाम क्या है? सूर्या पराव। सूर्या पर, वो कहाँ कहाँ के रहने वाले? जी पत्तेटा 4 नंबर राम मंदिर, मेरे घर के पास। आपके पड़ोसी हैं? जी पड़ोसी है। इससे जुड़ी कुछ बातें जो पहले कुछ ऐसा बात हुआ होगा या क्या है, थोड़ा खुल के बताइए। अभी तो कुछ बोल नहीं सकते क्यों किया, क्यों हम लोग को भी नहीं मालूम जो बात है। आपके आपका जो छोटा भाई है वो बात करने की हालत में है? जी है। उसने कुछ बताया किस वजह से उसके ऊपर अटैक किया, उसको क्या बोला मारते वक्त, उसको कुछ बोला होगा? जी कुछ बोला ही है, उसी को ही बोला है। क्या बोला? कि तुम, वो कुछ तो बोलने मनते है अभी भी, कुछ बोल के ही मारा है उसको, ऊपर अटैक किया हुआ है। आपके भाई ने बताया क्या बोला? नहीं वो नहीं बोलते है। अच्छा। अपराव आपका जो पड़ोसी है उसके उसके बच्चे वगैरह कोई है? एक ही उसका लड़का है, रिसेंट शादी हुआ है कुछ दिन पहले। तो फिर अपाराव जो है जिसने अटैक किया आपके भाई के ऊपर में, उसको पुलिस ने पकड़ा? जी पकड़ लिया है। वो ऐसा काम करने के बाद में भागने का कोशिश किया? नहीं नहीं वो वहीं खड़ा था चाकू लेके, मतलब फिर से अटैक करने के लिए रेडी था वो। तो आपका भाई बचा कैसे? आवाज उसने शोर किया चिल्ला के, वो कैसे भी छूट के घर आया मेरे पास कि भैया देखो अंकल इस तरह कर दिया मेरे को। हम लोग वही टाइम उसको मेडिकल लेके गए। जो अपाराव जो है वहीं पे खड़ा था? जी वहीं पर खड़ा था वो। फिर पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? जी मैंने ही फ़ोन किए थे उसको, फिर उन लोग गैरेज में मेडिकल आए वहीं से। ओके। फिर उसको लेके गए पीएस पाड़गांव। ओके। और फिर वहां से आप लोग को यहां पे जीवी पंत अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। बच्चा भी एडमिट है। जी एडमिट है अभी वो। आपका आपका भाई एडमिट है? जी। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी तो कुछ बोले नहीं खुल के, बस देखते हैं उसको। सम्राट जी आपके पापा मनोहर जी वो है यहाँ पे? जी आए हुए भाई का साथ है वो। तो आपके पापा को कुछ पता है कि क्यों हुआ, कैसे, मतलब किस वजह से हुआ? नहीं पापा भी तो मेरे साथ थे। आपके पड़ोसी हैं अपा राव जी, तो कुछ पुराना पुरानी कुछ बातें, कुछ लेन देन की बातें या किसी प्रकार का गुस्सा ऐसा कुछ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, इतना साल से एक ही साथ थे हम लोग, अगल बगल में पड़ोसी है। आप लोगों का रिलेशन अच्छा है? जी जी सब सही था। पर वो क्यों किया किसी को नहीं मालूम है, बात वो भी तो बोला नहीं अभी तक का कुछ, बस बुला के लेके गया है ऊपर जाके बोला फ़ोन करो। भाई फ़ोन भी किया था वो जिसका नंबर दिया, फ़ोन भी किया वो लाइन में है वो टाइम में, अपना काम करते ही है। ऐसा ऐसा कुछ आप लोगों लग रहा है कि वो किसी तरीके का मेंटली इल है या? जी है, पहले भी वो मेंटलिस्ट में था, अभी भी आया है। मेंटल अस्पताल में एडमिट था वो? जी पहले था बहुत, तो हम लोग तो उतना नहीं बोल सकते लेकिन उसका बेटे से ही सुने थे वो पहले। देखिए उतनी जानकारी तो खुद सम्राट जी भी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है कि आखिर अप्पा राव जी जिन्होंने ये हरकत की है उनके छोटे भाई के साथ में इसकी वजह क्या है, ये खुद नहीं जानते हैं। मगर इनको जितना पता है ये कह रहे हैं कि अप्पा राव जो थे वो पहले मेंटल अस्पताल में भी थे। तो क्या ये ऐसा कोई मामला है कि अप्पा राव जो एक्यूज़ हैं क्या उनका कुछ ऐसा मेडिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से उन्होंने अपना आपा खोया और एक छोटे से बच्चे उसके ऊपर ये हमला की? इसकी छानबीन तो डेफिनेटली होगी। और जिस तरीके से अभी सम्राट जी बता रहे हैं कि उनको पीएस पहाड़गांव लेकर गए हैं तो डेफिनेटली हमें पूरा यकीन है कि हमारी जो पुलिस है वो उसकी अच्छे से छानबीन करेगी और पता लगाएगी कि आखिर क्या वजह है,
क्या किसी पागलपन के वजह से किया गया है या किसी और कारण के वजह से किया गया है, डेफिनेटली हमारे साथ आप जुड़े रहिए। इसकी जो भी अपडेट होगी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि एक 12 साल के छोटे बच्चे के ऊपर एक वयस्क इंसान ने किस लिए हमला किया, कि लगभग 8 से 10 बार उसके शरीर पर चाकू से हमला किया और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको पहले ग्यारहचरमा अस्पताल लेके जाया गया था, फिर वहां से उन्हें अभी जीबी पंत अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिलहाल इस वक्त की जो जानकारी है इन्हें भी नहीं पता कि सिचुएशन कितनी गंभीर है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कल फिर आएँ यहाँ पर और सम्राट जी से बात करें, इनके पापा से बात करें और जानें कि आखिर क्या अपडेट हमें मिलती है। हो सकता है कि हमें पीएस पहाड़गांव से भी अपडेट मिले कि क्या वजह थी इस तरह छोटे से बच्चे के ऊपर अटैक करने की। मैं अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपके अगल बगल ऐसी कोई भी घटना होती है, ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चलता है जो आप लोगों को लगता है कि तमाम अंडमान के द्वीपवासियों को भी इस बारे में पता लगना चाहिए, तो कृपया हमें आप लोग डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ घटना ही नहीं, अगर ऐसी कोई भी प्रोग्राम फंक्शंस वगैरह भी हो रहे हैं तो उसके बारे में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी अपनी बीवी की मौत के गम होता है उससे अभी उभरे ही नहीं हैं मनोहर मंडल जी, कि अभी उनके घर पे एक और हादसा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसी बारे में हम संजय मंडल जी के पिताजी, हम उनसे बात करेंगे, उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। एक्चुअली हम छोटा लड़का और बड़ा लड़का बैठ के इसी बात करता था, छोटा लड़का गेम खेलता था, वो आदमी आके बोलता थोड़ा फ़ोन दो थोड़ा बात करेगा, तो सम्राट बड़ा लड़का बोला ठीक है अंकल छोटे लड़का को फ़ोन लेके जाओ थोड़ा बात करो, तो छोटे लड़के को बोला ठीक है तुम भी जाओ अंकल को थोड़ा बात करा दो। फिर वो ग्राउंड में गया जहाँ में हम लोग गाड़ी रखता वो साइड बैक साइड एयरपोर्ट का साइड, उधर लेके गया बोलता नंबर उठाओ, 10 नंबर डाला, रिंग बजता था वो टाइम फ़ोन हाथ से गिर गया था आदमी को। फिर उसी के बाद वो पीछे से चाकू निकाल के मेरा छोटे लड़का को शर्ट पकड़ लिया, पकड़ के पीछे मार दिया और दो उंगली को भी काट दिया चाकू से। वो कैसी भी जान बचने के लिए वो भाग के वो चिल्ला चिल्ला के घर का तरफ आ गया, पूरा खून खून शर्ट पट सब फाड़ फोड़ के पूरा खून खून हो गया। अभी क्या वैसे हुआ हमको नहीं उतना ये नहीं है, क्योंकि हम लोग का पड़ोसी का भी है, उसी लोग के साथ मेरा लड़ाई नहीं हुआ, कुछ बताबूती नहीं हुआ। यहीं से 5-6 साल पहले उसका अब्बा को एक बार मर्डर कर दिया सुना जो टाइम हम उधर आया था। किसने मर्डर किया? उसका वो आदमी उसका पापा को गला काट दिया था, वो लोग जेल में डाल दिया, वहीं से निकाल के अभी थोड़ा दिन ठीक था, अभी तो क्या हो गया पता नहीं, वो मार दिया। आपने अभी सुना कि मनोहर मंडल जी कह रहे हैं कि जिन्होंने इनके पुत्र के ऊपर हमला किया था उसने कुछ समय पहले अपने पिता का भी मर्डर किया था, ये इनका कहना है। ऐसा कोई भी पुराना कोई रंजिश, कोई गुस्सा, कोई लड़ाई झगड़ा अपराओं के साथ आप लोगों का कुछ ऐसा था? नहीं, छोटे लड़का को खाली बोला, गाली दिया छोटे लड़का को, बोला तेरा एकदम जान मार देगा जान से। अभी आपका जो बेटा एडमिट है वो बात करने की स्थिति में है? हाँ, थोड़ा बात करता। तो उसने बताया कि उसने क्या बोला उसको? कोई बोलता गाली गुली दिया, शर्ट पकड़ के चाकू टान दिया। कोई कारण बताया मारने का? नहीं, कारण कुछ नहीं बताया, उसको पकड़ के टान दिया चाकू। यूजली जब कोई किसी को मारता है तो वो बोलता है ना तुमने ऐसे किया वैसे किया, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस सिर्फ गाली दिया। हाँ, सिर्फ गाली दिया, गाली दे के उसको मारा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको इसकी अपडेट दे सकें और बता सकें कि आखिर किस वजह से इनके बच्चे के ऊपर में ये अटैक हुआ था। ये पूरा मामला जो है काफी पेचीदा सा लग रहा है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे के ऊपर में अटैक करना बिना वजह, जिस तरीके से अब तक हमें जानकारी मिली है, उस बच्चे के जो बड़े भाई है उनके जो पापा है, कि किसी को नहीं मालूम कि आखिर किस वजह से उन्होंने इस छोटे से बच्चे के ऊपर अटैक किया जो इस वक्त हमारे जीबी पंत अस्पताल में एडमिट है। उनको अटैक करने के बाद में काफी गंभीर हालत में ग्यारहचरमा अस्पताल लेके जाया गया था, मगर वहां से उन्हें जीबी पंत अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिस तरीके से अभी हमने उनके बड़े भाई से बात की, उनके पापा से बात की और एक्यूज्ड अप्पा राव जी के जो बेटे हैं सतीश जी, हमने उनसे भी बात की, उन सब के अनुसार ये जो इशारा सिर्फ इस तरफ जा रहा है कि ये पागलपंती की वजह से किया गया है। जिस तरह उनके बेटे ने खुद बताया कि उनके जो पापा थे उन्होंने पहले ही अपने उनके जो दादा हैं उनके ऊपर भी मर्डर अटेम्प्ट किया था
और कई और जेल भी गए थे। फिर छूटने के बाद में वे मेंटल अस्पताल में भी थे, वहां से रिकवर होके आके घर में रह रहे थे। फिर बीच में भी कुछ ऐसा हादसा हुआ था, फिर उसके बाद फिर वो ठीक हुए और अब इस तरह एक और घटना एक छोटे से बच्चे के साथ में हुआ है। मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि संजय मंडल जो छोटा बच्चा है, अभी कुछ समय पहले ही उनकी माँ का भी मर्डर हुआ था भातुबस्ती इलाके में, जिसका हमने आप लोगों को लाइव कवरेज भी दिखाया था। और अब इस छोटे से बच्चे के साथ में ये हादसा होना काफ़ी दुखदायी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमें पूरा यकीन है कि हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है PS पहाड़गांव, ये इस पर पूरी छानबीन डेफिनेटली करेगी और जिस भी वजह से इस बच्चे के ऊपर में अटैक हुआ है, इसकी वजह को ज़रूर ढूंढ निकालेगी। और जब हमें ये पता चलेगा तो इसकी अपडेट के लिए हम आप लोगों के सामने ज़रूर आएंगे और इसके पीछे की पूरी जो बात है वो सब हम आप लोगों के सामने ज़रूर रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।